क्वेश्चन नंबर 5 इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 फाइंड ए इनटू एड्रॉइड ऑफ मैट्रिक्स ए विदाउट कैलकुलेटिंग एड्रॉइड ऑफ मैट्रिक्स ए एड्रॉइड ऑफ मैट्रिक्स ए ठीक है सॉल्यूशन देखते हैं आंसर 5 क्वेश्चन देखिए क्या we know that a into adjoint a into adjoint a is equal to क्या होता है determinant a into unitary matrix of same order unitary matrix of same order ना ये होता है ठीक है तो आप क्या आपको क्या करना है determinant a की वैल्यू निकालना है determinant a की वैल्यू निकालनी है तो determinant a की वैल्यू क्या होता है determinant a स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे चेंज इन टू डिटरमिनेंट ओके आप मैट्रिक्स का साइज बता दीजिए आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा ठीक है और इसके बाद आप डिटरमिनेंट को ओपन करके निकाल दीजिए 3 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 1 2 एंड 1 ठीक है आप इसको ओपन कर देते हैं तो ओपन करने के बाद क्या करते हैं किसी एक को या पहला में मैक्सिमम जीरो बना देते हैं तो इसके लिए R1 is replaced by R1 minus 2 R3 condition. ठीक है and R3 is replaced by R2 is replaced by R2 plus R1 condition. ठीक है अब इसे बदल रखें कितना है तो determinant of A is equal to 3 minus 2 ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 और 2 माइनस 2 है ना क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 3 से 2 माइनस हो गया 1 से 4 माइनस हो गया 2 से 2 माइनस हो गया अब उसके बाद देखिए 2 माइनस ये हो गया आपका 2 माइनस 3 माइनस तो इसमें हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 और माइनस 3 प्लस 2 ठीक है और 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 और थर्ड रो आप पांच चेंज 1 2 1 चेंज अब इसके बाद निकाल लीजिए क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इस बोल तो हो गया है 1 माइनस 3 0 ठीक और 3 माइनस 1 0 1 2 एंड 1 अब इसको विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम ओपन कर देते हैं ठीक है स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम द थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट ऊपर पे एक इसके कंट्रोलिंग वैल्यू जीरो हो जाएगी इसके कंट्रोलिंग वैल्यू जीरो हो जाएगी इसके कंट्रोलिंग वैल्यू मिलेगी ये क्या प्लस 1 तो देखो 1 2 जिस रो में पुट कर दीजिए जिस कॉलम में पुट कर दीजिए क्या होगा 1 माइनस 3 3 1 अब इसको ओपन करते हैं ये हो जाएगा आपका माइनस 1 और माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो जाएगा माइनस 1 और प्लस 9 तो जाएगा 8 डिटरमिनेंट ऑफ 8 वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ 8 वैल्यू 8 वैल्यू ठीक है अब क्या चाहिए अब ये वैल्यू लागू कर देते हैं तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल ए है अब राइट यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 1 0 0 0
सिक्स देखिए, में क्या करें, यानी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस है क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट वन। चलिए एट वन के बारे में निकालिए, एक दो की तरफ जाएगा, एक दो हो जाएगा आपका माइनस वन रेट फॉर टू प्लस, ठीक है।
ये आपको चला गया इसको अभी सोपन कर दिया इसके अंदर गए माइनस वन एट माइनस नाइन ठीक है चलेगा माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन एक टू वन से बैठिए और एक टू थ्री वेल कर देगा एक टू थ्री चलिए को फैक्टर लिखे को फैक्टर मैट्रिक्स को फैक्टर मैट्रिक्स को फैक्टर मैट्रिक्स को फैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा सी एम इक्वल टू ए वन वन ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन One, eight, two, two.
A31 की वैल्यू मान लेते हैं और A32 की वैल्यू मान लो ठीक है, और मान लो आप है ना, आप एंड्रॉइड मैट्रिक्स लिखना है तो एंड्रॉइड आप ये क्या हो जाएगा सीएम ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा एंड्रॉइड आप, तो एंड्रॉइड आप ये हो गया सीएम ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को रो पास करते चेंज कर लेते हैं, रो का वेक्टर चेंज करके क्या हो जाएगा 6 -2 -3 ठीक है, 1 -3 -5 -5 -4 और -5 ठीक है, 6 -2 -3 -1 -3 -5 -5 -4 -5 ये आंसर हो जाएगा। देख क्या आंसर देखते हैं, लिखा भी